गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी लेसन 6 ईमानदार बालक। तो कल हम लोगों ने पढ़ा बसंत रुआसा होकर राजकिशोर जी से कहता है, साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब एक तो लीजिए। राजकिशोर जी को दया आ जाती है और वे 2 पैसे निकालते हैं और उसको देते हैं। लेकिन बसंत बोलता है, नहीं साहब यह तो भीख हुई, मैं ऐसे नहीं लूंगा, आप छलनी ले तब मैं ये पैसे लूंगा। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है, वह जेब टटोलते हैं पर और पैसे नहीं मिलते। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए, राजकिशोर जी कहते हैं बसंत से, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट हैं। बसंत उदास हो जाता है, नोट हैं? कुछ सोचकर, तो आप नोट दे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर जी कहते हैं, भाई तुम भी। फिर बोलते हैं, अच्छा लो भुना लाओ, जल्दी आना। प्रसन्न होकर, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत बोलता है कि अभी आया, आप यहीं ठहरे। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं, तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है, उन्हें खड़ा देखकर ठिठकता है, रुक जाता है वहां पर। उस मनुष्य का नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, पंडित जी जय हिंद, कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर जी कहते हैं हंसकर, भाई क्या बताऊं, एक शरणार्थी लड़का चिपक गया था, एक छलनी दे गया है, पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। कृष्ण कुमार, नोट भुनाने गया है? तब विश्वास कीजिए कि वह अब नहीं आने का, वह अब नहीं आएगा। राजकिशोर जी कहते हैं, पर भाई वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। कृष्ण कुमार और भी तेजी से हंसते हैं, पाठ सुंदर है, भले लड़के से पढ़ा है। अजी साहब भले ना बने तो उनके चक्कर में आए कौन। अच्छा जय हिंद, मैं तो चला। कृष्ण कुमार कहते हैं कि अच्छा मैं तो चला, आप यहीं खड़े रहिए। राजकिशोर, जय हिंद। दोनों 2 रास्तों पर बढ़ जाते हैं, पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, नगर का एक भाग जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा है। संध्या हो जाती है, एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है, नंगे पैर, फटे कपड़े, आयु लगभग 9 वर्ष। वह बसंत का छोटा भाई है, नाम है प्रताप। आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है, व्याकुलता है। प्रताप, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप, यहाँ कहीं राजकिशोर जी रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, हाँ उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, वहां आवाज दो, ऊपर रहते हैं। दोनों व्यक्ति चले जाते हैं। प्रताप उस मकान के पास जाता है। प्रताप, पंडित राजकिशोर जी। राजकिशोर ऊपर से झांक कर, कौन? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारे भाई ने? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, क्या बात है बच्चे? प्रताप बोलता है, आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से छलनी ली थी और उसे 1 रुपए का नोट दिया था। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, ये जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाई हूँ इसको आप फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।